चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। खूबसूरत खूबसूरत उठाओ। नबील क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? अरे सुबह सुबह 10 बज गए हैं, सूरज सर पे आ गया है, लोग नाश्ता करके अपने ऑफिसेस को चले गए हैं, खवातीन अपने घरों में लंच की तैयारी कर रही हैं और तुम कह रही हो सुबह सुबह। क्या उठोड़ा? मैंने उठ के क्या कर लेना है नबील? अरे भाई मेरे लिए नाश्ता बनाना है। तो तुमने नाश्ता करके क्या कर लेना है? मैं तुम्हारी तरह फारग नहीं हूँ खूबसूरत, मुझे बहुत काम करने होते हैं। मसलन? मुझे नाश्ते के बाद टीवी देखना होता है, फिर थोड़ा सा आराम करना होता है, उसके बाद दोपहर का खाना भी तो खाना होता है ना, उसके बाद कैलूला भी करना पड़ता है, फिर शाम की चाय पीनी पड़ती है, फिर उसके बाद थोड़ी सी गपशप करनी पड़ जाती है, फिर रात का डिनर करना पड़ता है, डिनर के बाद फिर देर तक मैं टीवी देखता हूँ, फिर कहीं जाके मुझे नींद आती है। खूबसूरत तमीज से बात करो, मैं शाम हूँ तुम्हारा, चलो नाश्ता बनाओ। मेरे लिए ऑमलेट लस्सी और वल वाला पराठा बनाओ जरा जल्दी से प्लीज। मैं इतना कुछ नहीं बनाऊंगी नबील, कान खोल कर सुन लो। ओके फिर एक काम करो, पराठा और ऑमलेट बना। इतनी गर्मी में पराठे नहीं बनाऊंगी मैं। ऑमलेट तो बना दोगी ना? हाँ वो बना दूंगी। आ गई ना लाइन पे? क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, करो जल्दी से जरा ना, उसमें प्याज अदरक थोड़ा छोटे छोटे करके काटना। ला रही हूँ भाई, थोड़ा सबर कर लो। हाँ। यार नबील मैं काफी सालों से देख रहा हूँ, ये तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार नहीं करती। और लानत भेजे प्यार मोहब्बत को महमूद साहब, मैंने तो इस औरत से सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी की दिया। क्या? हाँ। ये लो। ये क्या है? नाश्ता है और क्या है? जानू मेरा अंडा। तुम्हारा अंडा? मुर्गी का यार, मेरा ऑमलेट कहाँ है? नबील घर पे एक ही अंडा पड़ा हुआ था और वो फ्रिज से निकालते रहा, टूट गया। वो यार अंडा वैसे भी तोड़ के ऑमलेट बनाना था ना यार। नबील अंडा जमीन पे टूटा था, फ्राइंग पैन में नहीं टूटा था। छुट्टी वाले दिन भी मुझे खाने में ऑमलेट नहीं मिलेगा? छुट्टी वाला दिन? हाँ छुट्टी होती है ना लोगों की। शट अप नबील, खाना है तो खाओ वरना भूखे रहो। ओके चलो। महमूद। हाँ मैं आपके लिए महमूद लाई हूँ मंजूर। अरे वाह मोमो, पराठे, नरगजी कोफ्ते, लस्सी, वाह भाई वाह। इसको कहते हैं नाश्ता और इसको कहते हैं बीवी। माँ जी जरा एक पराठा इधर पास करें प्लीज। ये मैंने अपने और अपने मिये के लिए बनाए, तुझे खाने ना तो अपनी बीवी से बोल। जानो चुपचाप ब्रेड खाओ नबील। ओ जानो एक पराठे बना लेती यार। कहना बड़ा आसान है, इतनी गर्मी में तुम्हें खड़े होकर पराठा बनाना पड़े ना तो पता चलेगा। अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो भाई? हमारी तरह प्यार से नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? हाँ मोमो डार्लिंग। हाँ मस्टर डार्लिंग। मोमो मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊं? हाँ मगर एक शर्त है। वो क्या? मैं भी आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। ठीक है ठीक है। आ करो साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई लस्सी पी रहा हूँ। तो अलग अलग ग्लास में पिए ना भाई। एक दूसरे का झूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है। जी नहीं, एक दूसरे का झूठा खाने से सिर्फ बीमारियाँ बढ़ती हैं। जी हाँ माँ जी, महमूद साहब को आपकी और आपको महमूद साहब की बीमारियाँ लग सकती हैं। तू अगर अपने मिये से प्यार नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी अपने मिये से प्यार ना करूं। ये लीजिए पिए पिए पिए। मुझे तो लस्सी पी कर ना इतनी कोई नींद आती है। हाय हाय हाय। तो चलो ना चल के
आराम कर लेते हैं। अवश्य अवश्य। आ जाओ आ जाओ। कालो कालो नदीदे कालो। जानू मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तो क्या मतलब तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार से बात नहीं कर सकती हो? नहीं। क्यों जानू, हमारी शादी को तो अभी इतना अरसा भी नहीं गुजरा कि हम लोग रोमांटिक बातें ना कर सकें। माँ जी और महमूद साहब को गौर से देखो, कितना प्यार है उन दोनों में। नबील, उसे प्यार नहीं छिछोरपन कहते हैं, और मुझे ये चोंचले बिल्कुल पसंद नहीं है। जानू शट अप नबील। दिल के अरमासुओं में बह गए हम वफा करके। पुत्र तू या तू बैठा क्या कर रहे है? महमूद साहब, ओ यार ये आपको क्या हो गया? चुप है, मेरा नाम महमूद नहीं दिलशाद है, दिलशाद। हाँ चल जाके अपनी बीवी को बोल मेरे लिए वो बुलाए, मुझे बड़ी भूख लग रही है। वो क्या? वही जो दोपहर में खाते हैं। दोपहर में क्या खाते हैं महमूद साहब? ओ महमूद नहीं वो। ओ वो क्या यार? वही जो मुझे खाना है। खाना खाना, जाके कहो उसको के खाना बनाए मेरे लिए। ओ यार महमूद साहब, आप ये माँ जी जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब पुत्र मैं तेरी माँ ही हूँ बेवकूफ। आप माँ नहीं, आप कहाँ हो सकते हैं माँ जी। शाबाश। नबील मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। ये तुम्हें हुआ क्या है? ओ जानू मुझे नहीं, महमूद साहब को कुछ हो गया है यार। महमूद साहब को? हाँ, वो माँ जी के कपड़े पहन कर ना माँ जी जैसी हरकतें कर रहे हैं। क्या? हाँ, और खुद को माँ जी ही समझ रहे हैं। नबील तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? जानू मैंने अपनी आंखों से महमूद साहब को, बल्कि माँ जी को, बल्कि माँ जी महमूद साहब को देखा है यार। क्या चलो जानू माँ जी को जाके बताते हैं कि उनके शौहर की जींस तब्दील हो गई है। What? जानू आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माँ जी दरवाजा खोले, माँ जी दरवाजा खोले। यार नबील क्या शोर मचाया हुआ है, बंदा थोड़ी देर इस घर में आराम भी नहीं कर सकता। माँ जी, ओ यार तुम्हारी माँ अंदर नहीं है, थोड़ी देर पहले बाहर निकली थी, कह रही थी उसे भूख लग रही है। माँ जी आपको क्या हो गया? माँ जी, ओ खूबसूरत तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं क्या? मैं महमूद हूँ महमूद। नबील मुझे चक्कर आ रहे हैं। देखा मैंने कहा था ना इसकी आंखें खराब हो गई हैं। अरे इसको डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को। जानू जानू प्लीज पानी लो, तुम टेंशन मत लो प्लीज। से टेंशन ना लो नबील, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि बैठे बैठाए माँ जी महमूद साहब और महमूद साहब माँ जी कैसे बन गए यार। जानू मुझे लग रहा है इसमें अली इमरान की कोई साजिश है, बल्कि शरारत है। क्या? हाँ जानू, उसने इस एपिसोड की सिचुएशन ही ऐसी बनाई है। अब हम क्या करेंगे नबील? जानू मुझे लग रहा है हमें एक सीन के लिए किसी और डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि शायद 612 जो है ना उसके पास डेट ही नहीं है अब। तो बुलाओ ना यार जल्दी। ओके जानू ओके। हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब जल्दी पहुंचे, और प्लीज खुदा का आपको वास्ता है खाना खा के आइएगा। ओके जानू डॉक्टर साहब आ रहे हैं। नबील मुझे माँ जी और महमूद साहब को देखकर बहुत डर लग रहा है। जानू डरो मत, मैं हूं ना। शट अप नबील। नॉट ओके जानू। यार मोमो। हाँ जी हाँ जी। मैं सोच रहा था कि अब के गर्मियों की छुट्टियों में क्यों ना हम कहीं बाहर चलें। शाबाश। कौन से मुल्क? अरे बाहर का मतलब घर से कहीं बाहर, समंदर वमंदर पर। हाँ हाँ, मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा और ऊँट पे भी बिठाऊंगा। ना मैंने ऊँट पे नहीं बैठना, फिर मुझे ना उस पे बैठना है। किस पे? वो जो पानी में होती है ना उस पे। मछली पे? नहीं जी नहीं, जिस पे बैठ के मछली पकड़ते हैं ना उस पे। वो मछली तो किनारे पे बैठ के पकड़ते हैं मोमो। अरे वही जिस पे बैठ के समंदर की सैर भी करते हैं। अच्छा कश्ती। हाँ कुश्ती कुश्ती। ओ यार एक तो तुम्हारी ये भूलने की आदत बड़ी खराब है। आओ तुम्हें भूख लग रही थी ना, चलो कमरे में चल के पिज्जा का ऑर्डर देते हैं तुम्हारे लिए। आओ। आओ। चले चले चले।
पिज्जा मोमो। हाँ, ओहो डॉक्टर साहब आए होंगे, मैं देखता हूँ यार। ना तो आपने पिज्जा डॉक्टर से मंगवाया है? ओ है शाबाश। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए। ओ क्या प्रॉब्लम हो गई है? आइए प्रॉब्लम भी बताता हूँ आपको। ये प्रॉब्लम हुआ है डॉक्टर साहब। नहीं, क्या हुआ डॉक्टर साहब? लग रहा है हमारी आई साइड मजीद वीक होगी है। हैं? हाँ, मिकी महमूद साहब, माँ जी महमूद साहब नजर आ रहे हैं। अरे ना तू जाके पहले अपना इलाज करा ना। अरे नबील, तुमने इसे यहाँ बुलाया काहे के वास्ते हैं? आप लोगों का इलाज करने के लिए है। हमारा इलाज? अरे हमें क्या हुआ है भाई? भाई आप लोगों की जिंस तब्दील हो गई है। खबरदार, जो तूने अपनी माँ पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया तो। ओ प्रभु, क्या चल रहा है? मुझे किस सिचुएशन में बुलाया है? डॉक्टर साहब, हमें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, आप ही कुछ करें प्लीज। ना ब्रो, ना ये हमारे बस का काम नहीं है। आप एक काम करें, किसी आमल बाबा को बुला के ले। आमल बाबा? हाँ, मीकी लग रहा है महमूद साहब ते माँ जी अपर किसी सिफली की है और वो ही तोड़ करेंगे आके। ओ भाई, अब आमल बाबा कहाँ से लाएंगे हम? ओ है किन्नो जी, मेरे पास उनका कार्ड है, उन फोन करो, पंजे मिनट ही चाहिए सर, वेले जो घूमते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा माँ जी, मैं झुलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज डायरेक्टर साहब। अब जा भाई। अरे शाबाश। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। अबील, तुमने आमिर बाबा को क्यों बुला लिया यार? यार आमिर बाबा को नहीं बुलाता तो क्या करता, मैं मूसा और माँ जी को ऐसे ही छोड़ देता। पहले उनके मोहल्ले से शिकायतें आ रही हैं। कैसी शिकायतें? महमूद साहब बाजार में 3-4 औरतों के गले मिल चुके हैं यार, और माँ जी लिफ्ट लेके ना बंदों की तरह मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के आई है घर। हाँ जानू, पूरा मोहल्ला तू तू कर रहे हैं हम पे। नबील, वो बाबा कब आएगा यार? बाबा आएगा नहीं, बाबा आ चुका है। जानू तुम मुझे भूत कह रही हो? तो मैं नहीं इसको कह रही हूँ नबील। ओ ये भूत नहीं है जानू। तो फिर कौन है? मैं धुएं वाले बाबा हूँ, धुएं वाला। बकवास मत करो, धुआं वाला बाबा तो ये है ना नबील। खूबसूरत। अच्छा तो इस लड़की को ठीक करना, अभी करता हूँ। ओ भाई, इसे ठीक नहीं करना। फिर किसे करना है? वो दोनों अंदर हैं। कौन दोनों? जिनको ठीक करना है। जिनों को मैं ठीक नहीं करता, मैं तो इंसानों को ठीक करता हूँ यार। ओ भाई, वो इंसान ही है यार। तो पक्की बात है, देख तू दोस्त है मेरा। ओ हाँ हाँ। तो वैसे ना जिनों से मुझे बड़ा डर लगता है यार। जिनों का भी आपके बारे में यही ख्याल है। छोड़े इसको, आए बाबा जी, आप अंदर आए, अंदर आए बाबा जी, अंदर आए। महमूद साहब मारी, देखे कौन आया है? तूने कारीगर बुलाया है? कारीगर? हाँ हाँ, वो जो जादू करते हैं। हाँ, जादूगर, तूने जादूगर बुलाया है ना? ओ ये जादूगर नहीं है माँ जी। फिर कौन है यार? ये बाबा है बाबा। चुप, तेरा बाबा तो ये है। भाई कौन लोग हैं यार? बाबा जी ये माँ जी है और ये महमूद साहब। चुप, मेरा नाम शाजिया आयशा। खूबसूरत। हाँ, और मैं खूबसूरत भी हूँ। पापा जी ये मेरी माँ जी हैं और ये उनके मियाँ, इनका इलाज करना है। अबे इलाज की जरूरत तो तेरे को लग रही है भाई। अबे और नहीं तो क्या, अम्मा को अब्बा बोल रहा है और अब्बा को अम्मा बोल रहा है। अरे यही तो प्रॉब्लम है भाई। यही अपने अम्मा को अब्बा जी और अब्बा जी को अम्मा जी बोलता है। नहीं फिर भाई, माँ जी और महमूद साहब अच्छे भले थे, नाश्ता करके कमरे में आराम करने गए, जब निकले तो माँ जी महमूद साहब और महमूद साहब माँ जी बन गए थे। हैं? अब बकवास कर रही है ये बकवास, इसका तो पहले ही दिमाग खराब था। मैं दिलशाद हूँ, दिलशाद। और मैं महमूद हूँ, महमूद। हाँ जी। और तुम कौन हो? पापा जी मैं नबील। और तुम? मैं खूबसूरत। मुझे तुम चारों में से सिर्फ इस लड़की की बात पे यकीन आ रहा है। What? Yes! नबील जरा आओ मेरे साथ। जी जी जी, आया जानू। क्या हुआ जानू? नबील, ये आमिर बाबा मुझे ढोंगी और ड्रामा लग रहे हैं। आमिर बाबा नहीं जानू, आमिर बाबा। एक ही बात है यार जानू, ये बहुत पहुंचा हुआ बाबा है, इसने बहुत सारे लोगों के काम सीधे किए हैं। नबील मुझे नहीं लगता इस बाबा से कुछ भी होगा। ए खूबसूरत लड़की, ए लड़की खूबसूरत, तुम बाबा को अंडरएस्टिमेट कर रही हो। मैं वो बाबा नहीं हूँ जो आस्थाने बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाकर 100-100 रुपए पकड़ता है। 100-100 रुपए? हाँ जानू हाँ। मैं पूरे 5,000 रुपए लेता हूँ। हाँ भाई, 5,000 से 1 रुपया कम नहीं लेता। और ले लेना भाई, लेकिन पहले माँ जी और महमूद साहब को तो ठीक कर। अच्छा आओ मेरे साथ, चलो आओ जानू, आओ आ जाओ। मैं हटा
यार। ओ माँ जी खुदा का वास्ता, ये बाबा आप दोनों को ठीक करने आया यार। तेरी माँ मैं हूँ पुत्र। नबील यार क्या हो गया है तुम लोगों को, इस मनहूस बाबे को हमारे पीछे क्यों लगाया हुआ है? अबे मैं नहीं कर रहा इलाज उलाज इनका, ये तो बहुत हाथ छूटे, मैं जा रहा हूँ यार। बाबा जी प्लीज ऐसा मत करें, आपको पैसे मिलेंगे ना। अबे भाई पहले इनके हाथ बांधो फिर मैं इनका इलाज करूंगा। अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम माँ जी को पकड़ो, मैं महमूद साहब को पकड़ता हूँ। एक मिनट नबील, जो इस वक्त माँ जी है उनको पकड़ना है या जो माँ जी है उनको पकड़ना है? ओ यार माँ जी को पकड़ो यार। माँ जी चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। तुम मत यार ता उंच बला ता उंच के लिए आती हूँ ता उंच बला ता उंच कला ता इस तकला ता उंच जबानी तुम कला ता यार नबील ये क्या हुआ यार, और मैंने कपड़े किसके पहने हुए हैं? जानू मुबारक हो, महमूद साहब ठीक हो गए। माँ जी आप भी उठे ना। अरे तू फिकर मत कर लड़के, तेरी माँ को दो मिनट में ठीक कर दूंगा, बड़ा पहुंचा हुआ बाबा हूँ मैं। हैं नबील, और ये तुम लोगों ने मेरा क्या हाल बना रखा है बाबा जी। यार तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे जब से तुम्हारे मरे हुए बाप ने ख्वाब में आकर उसे अपने साथ ले जाने को कहा है, तब से उसे लग रहा है कि वो मरने वाली है। अरे भाई इनका कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा, ये मरने वाली है। क्या? नहीं देख रहे मर गई। ठीक है महमूद साहब, मैं कब्रिस्तान में कब्र बुक करवाता हूँ। अरे मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन की तैयारी की बात नहीं कर रहा। फिर किस चीज की बात कर रहे हैं? अपनी दूसरी शादी की भाई। और मुझे लग रहा है मुझे हार्ट वाला अटैक आ रहा है। हिम्मत करें माँ जी, हौसला नहीं हारना माँ जी, आपने बुजदिलों की तरह रो रो के जान ही देनी, आपने हंस हंस के तलेरों की तरह जान देनी है माँ जी। अरे भाई जल्दी से लेट जाए, अगर खड़े खड़े मौत आ गई ना तो गिरने से सर पे चोट भी लग सकती है। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जा।